हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो गए। तो चलिए आज के करंट अफेयर को फटाफट जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा देश है जो पहला अमेरिकन स्टेट बना है जिसने रेजोल्यूशन पास करके हिंदू फोबिया को कंडेम किया, यानी कि उसकी निंदा की है? तो जो इसका आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा जॉर्जिया। जॉर्जिया देश की बात अगर हम करें तो इसकी कैपिटल तबिलिसी होती है और इसकी जो करेंसी है वो जॉर्जियन लैरी है। ये रेजोल्यूशन ये कहता है कि जो हिंदू धर्म है वो बहुत सारे ट्रेडिशंस और फेथ की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है और शांति प्रिय है। आगे बात करें, किसे इनवाइट किया गया है गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में बस्टाइल परेड जो होती है फ्रांस में, उसमें? तो एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि बस्टाइल डे परेड कहाँ मनाई जाती है, तो फ्रांस में मनाई जाती है और जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये परेड 14 जुलाई मिलिट्री परेड के रूप में मनाई जाती है हर साल। 1880 से इसको मनाया जा रहा है और इस डे को मार्क किया जाता है नेशनल डे ऑफ फ्रांस के रूप में। अगली हम बात करते हैं, सेकेंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग होनी है वो कौन सी सिटी में होगी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में होनी है। और दूसरी बात अगर मैं करूँ, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई थी G20 के अधीन, तो जोधपुर में हुई थी। पहली एम्प्लॉयमेंट वाली जोधपुर में, दूसरी आपकी गुवाहाटी में। ठीक है बच्चों, आगे दूसरी दो तीन चीज़ें और दी हैं उसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट G20 डिज़ास्टर वाली कहाँ हुई थी? गांधीनगर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, कौन है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है ऐप वर्जन ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल सागर सेतु? सागर सेतु का किसने लॉन्च किया है ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। ये जो है आपको प्रोवाइड करेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन किसी भी एक्टिविटी को लेकर, इंपोर्टर के रूप में, एक्सपोर्टर के रूप में, कस्टम ब्रोकर के रूप में, और जो भी फिंगर टिप से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो कंटेनर की, इन सब चीज़ों को ये आराम से आपका हैंडल करेगा, यानी पोर्ट्स पे ये यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अप्रूव किया है सेटअप 3 न्यू मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट? तो आंसर हो जाएगा बच्चों राजस्थान। राजस्थान ने इसको अप्रूव किया है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं, हेरिटेज साइट केवलादियो नेशनल पार्क यहाँ पर मौजूद है, पिंक सिटी बोला जाता है, और ये नेशनल पार्क यहाँ पर बहुत सारे मैंने आपको दिए हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग MOU विद गोदरेज कैपिटल फॉर वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको पूछा जाए तो 1955 में इसका नाम चेंज किया गया था, इसको नेशनलाइज किया था स्टेट बैंक के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 जुलाई 1955, और SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खारा जी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि फिनो पेमेंट बैंक जो है पार्टनर किया है IPL की टीम के साथ फॉर डिजिटल बैंकिंग पार्टनरशिप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान रॉयल ने इसको सीजन 16 जो IPL का है उसके लिए इसके साथ डील की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन विच सिटी? कौन सी सिटी में स्टार्टअप करने के लिए किया है? तो पुणे इसका राइट आंसर रहने वाला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो AS राजीव इसके चेयरपर्सन हैं और MD दोनों हैं इसके, और ये डेडिकेटेड ब्रांच जो ये लगा रहे हैं ये हर तरीके से जो नए नए स्टार्टअप खोलना चाहता है उनको हेल्प करेगी, उनके इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट में करने में मदद करेगी। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव के मिश्रा जी हैं, जो ये PTC है पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडिया, ये एक PSU है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, 1999 में बनी थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन, क्योंकि जितनी भी PSU होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ही काम करती हैं। तो PTC का प्राइमरी बिजनेस जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेड करती है भारत के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो। हाल ही में कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो स्टारबक के CEO बनाया गया था लक्ष्मण नरसिम्हन को, CH के अर्नब बनर्जी को बनाया गया था, इन्वेस्ट इंडिया के बनाया गया था मनमेत के नंदा को, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बनाया गया था ललित कुमार गुप्ता को, और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑफ बुल्स ट्रेडिंग बिल स्टाइल बायलेटरल टाइज के बनाया गया था रतन टाटा को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा है अज्यूम कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने जा रहे हैं संजय जसजीत सिंह। ठीक है, काफ़ी बढ़िया बात है। दूसरी अपॉइंटमेंट जो डिफेंस सेक्टर में रही हैं वो क्या रही हैं कि वाइस चीफ ऑफ इंडियन फोर्स कौन बने हैं? जैसे कि एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह बने हैं, DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। DG ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं? जनरल मनोज पांडे। DG ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है? मार्शल विवेक राम चौधरी। ये बाकी चीज़ भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं।
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ टाई राजस्थान फॉर द 2 ईयर टर्म? तो आंसर हो जाएगा बच्चों शीनू जावर, ये पहली महिला बनी है 21 सालों के हिस्ट्री में टाई राजस्थान की में जिनको ये पद दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको काफ़ी ज़्यादा बातें सीखने को मिली होंगी। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को देखते रहिए। जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बहुत ही तेज़ रफ्तार से पूरे दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराते हैं ताकि आपका टाइम भी बचे और नॉलेज भी हो। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।